हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर से जब पूछा गया कि क्या केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा चुनाव प्रचार के लिए आएंगे और कब हिमाचल में चुनावी मैदान में उतरेंगे, तो अनुराग ठाकुर ने कहा कि जगत प्रकाश नड्डा जी को देश के सबसे बड़े राज्य यूपी का प्रभारी बनाया गया है और हिमाचल प्रदेश के लिए ये गौरव की बात है और सबसे बड़ी बात है कि उन्हें प्रभारी चुना गया है और वे अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्हें वहां से समय मिलेगा वे हमीरपुर के अलावा प्रदेश के बाकी जगहों पर भी आएंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा हिमाचल में चुनाव प्रचार न किए जाने पर पूछे गए प्रश्न पर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने कहा कि जेपी नड्डा देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं और हिमाचल के लिए ये गौरव की बात है कि सबसे बड़े प्रदेश के प्रभारी होने के नाते वे अपना कार्य बखूबी निभा रहे हैं। हालांकि उन्होंने बताया कि पिछले चुनावों में अमित शाह को यूपी का प्रभारी बनाया गया था लेकिन इस बार ये जिम्मा जगत प्रकाश नड्डा के कंधों पर सौंपा गया है जो कि इस छोटे से राज्य के लिए बड़े ही गौरव की बात है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जेपी नड्डा जब यूपी से फ्री हो जाएंगे तब निश्चित रूप से बिलासपुर आएंगे और चुनाव प्रचार करेंगे और हिमाचल प्रदेश की सभी सीटों पर भी भाग लेंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो, बिलासपुर में एम्स की बात हो, ऊना में पीजीआई खोलने की बात हो, नड्डा का केंद्र की मोदी सरकार में अहम योगदान हिमाचल के प्रति रहा है और आगे भी रहेगा। उन्होंने कहा कि बिलासपुर के अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान जहां स्वारघाट का उपमंडल के अंतर्गत अनुराग ठाकुर ने कई जनसभाओं को संबोधित किया, वहीं खरकड़ी पंचायत में पत्रकारों के साथ बातचीत भी की। प्रदेश के बहुत सीनियर नेता हैं और हिमाचल प्रदेश के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है, चाहे हमारे लिए एम्स अस्पताल बिलासपुर में हो, पीजीआई ऊना में हो, हमारे लिए नए मेडिकल कॉलेज देने की बात हो, ट्रॉमा सेंटर्स देने की बात हो। मोदी सरकार में नड्डा जी ने हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत कुछ दिया और मेरे संसदीय क्षेत्र के लिए तो बहुत कुछ दिया है। इसके साथ साथ उनकी बड़ी जिम्मेदारी एक और भी है कि वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं जो पिछली बार अमित शाह जी थे, और देश के सबसे बड़े राज्य के प्रभारी बनना बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है इतनी बड़ी जिम्मेदारी हिमाचल के किसी नेता को मिली तो बहुत सौभाग्य की बात है। जब वहाँ पर उनका काम पूरा होगा तो हिमाचल प्रदेश भी बीच में आएंगे, पूरे हिमाचल प्रदेश की ओर से उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। कार्यक्रम में एक बार फिर से वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।